आई एम यामिनी टुकराल वेलकमिंग यू टू अड्डा ट्वेंटी फोर स्कूल तो बच्चों चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के सारे सब टॉपिक्स हमने पिछले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिए थे जो हमारा लास्ट सब टॉपिक हमने पढ़ा था वो था हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड एथिकल इशूज जब हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करते हैं तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मतलब होता है वो एनिमल्स जिनके अंदर जो जीन्स है वो मैन्युपुलेटेड होते हैं जो डी होता है वो मैन्यूपुलेटेड होता है और उसे ह्यूमंस अपने यूज के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाते हैं जिससे कि कुछ वो चीजें जो है देख पाए और कुछ चीजों को टेस्ट कर पाए बिफोर प्रोवाइडिंग देम फॉर द यूज फॉर पब्लिक तो पब्लिक यूज़ के पहले जो चीज़ें टेस्टिंग होती है वो सारी हमारी ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे यूज़ होती है और सेकंड टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था हमारा एथिकल इश्यूज का तो एथिकल इश्यूज में हमने क्या देखा था कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं अगर कोई कंपनी स्टार्ट करता है तो उसे पेटेंट करवाना पड़ता है ताकि दूसरी कंपनी वो वाली चीज़ बिना ऑथराइजेशन के ना कर पाए तो ये चीज़ें हमने पिछले सब टॉपिक में देखी थी जिसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो आज जो है हम लोग एनसीआरटी क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर ट्वेल्व बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के लिए तो अब चलिए शुरू करते हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिस्टल्स ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया देम सेल्स बिकॉज ए बैक्टीरिया रिजिस्टेंट टू द टॉक्सिन बी द टॉक्सिन इज इमिच्योर सी द टॉक्सिन इज इनएक्टिव या फिर डी द बैक्टीरिया इंक्लोज टॉक्सिक इन अ स्पेशल सैक जो बी टी टॉक्सिन के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं वो बैक्टीरिया को एक ए, साथ में किल नहीं करते एक अपनी तरफ से किल नहीं करते क्योंकि ए बी सी डी दिसमसी क्यू ये एम सी क्यू क्वेश्चन है आपकी एनसीआर टी में तो एमसी क्यू क्वेश्चन है तो इसका एक बारी देख लेते हैं द टॉक्सिन इज इनएक्टिव जो टॉक्सिन हमारे बैक्टीरिया के अंदर होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं किस इन एक्टिव फॉर्म में होते हैं प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में होते हैं ये एक्टिव फॉर्म में तब होते हैं जब कोई इंसेक्ट इनको खाए और उसके गट में जाके ये एक्टिव हो जाते हैं सो द टॉक्सिन्स दे आर प्रेजेंट इन एन इन एक्टिव फॉर्म दे आर प्रेजेंट इन एन इन एक्टिव फॉर्म क्या है इन एक्टिव फॉर्म का नाम प्रोटोटॉक्सिन तो जब प्रोटोटॉक्सिन को इंसेक्ट इंजेस्ट करती है तो उसके गट में जाके वो प्रोटोटॉक्सिन जो है एक्टिव हो जाता है इंटोटॉक्सिन और वो उस इंसेक्ट को मार देता है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट द टॉक्सिन इज इनएक्टिव क्लियर हो गया है ये वाला बहुत अच्छे से क्यों टॉक्सिन इनएक्टिव होता है इसलिए वो उसी टाइम नहीं मार पाता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या है और हमने एक एग्जांपल दे के इसे इलेस्ट्रेट करना है जब हम ट्रांसजेनिक की बात करते हैं इस वर्ड को तोड़ते हैं दो में ट्रांस एंड जेनिक ट्रांस का मतलब होता है डिफरेंट और जेनिक का मतलब होता है जीन मतलब जिस बैक्टीरिया के अंदर हम लोग फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं जिससे कि हम बैक्टीरिया की मॉडिफिकेशन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया मॉडिफाइड होता है जिसके जीन्स जो होते हैं मैनिपुलेटेड होते हैं वो हमारा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में आता है और इसका हमें एक एग्जाम्पल देना तो बैक्टीरिया हैविंग जीन और जीन्स यूजुअली फ्रॉम एन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म इनकॉर्पोरेटेड इनटू टू दिनोम दे आर कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के अंदर जो जीन होता है या फिर जो जीन्स होते हैं वो किसी अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म से आते हैं और वो उनके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं उनके जीनोम के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं जिससे कि ये मैनिपुलेट हो जाते हैं मैन्युपुलेटेड जिनोम हो जाता है उनका जीन इट इज इंट्रोड्यूस इन टू द आइसोलेटेड प्लाजम ऑफ इकोलाई क्या होगा दिस रिकॉम्बिनेंट डीएन ट्रांसफर्ड इन टू अ फ्रेश बैक्टीरियम देन द लेटर इज सेट टू बी ट्रांसजेनिक और ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया जब ह्यूमन इंसुलिन जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द आइसोलेटेड प्लाजमेट ऑफ इकोलाई बैक्टीरियम तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है एक फ्रेश बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है क्योंकि प्लाज्मेड हमारा वेक्टर की तरह एक्ट करता है प्लाज्मेड हमारा वेक्टर की तरह एक्ट करता है तो हम इंसुलिन का जीन अगर प्लाज्मेट के अंदर डालेंगे तो ये प्लाज्मेट वेक्टर जो है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाएगा ये फ्रेश बैक्टीरिया के अंदर जाता है और उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांस जीन या फिर ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे ट्रांसजेनिक या फिर ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया तो हमें ये पता चल गया कि क्या होता है ट्रांसजेनिक और उसका एग्जाम्पल क्या है हमारा क्लासिकल एग्जाम्पल यही है कि जब ह्यूमन इंसुलिन जो है उसके डीएनए सीक्वेंसेस को हम लोग ईकोलाई e. के अंदर डालते हैं वो ईकोलाई e. वेक्टर जाता है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर और वो बैक्टीरिया हमारा ट्रांसजेनिक हो जाता है ये देखो इंसुलिन के अंदर कितनी चेन्स होती हैं इंसुलिन के अंदर कितनी चेन्स होती है ए बी एंड सी कितनी चेन्स होती, 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 तो होती है जिसके अंदर डाइसल्फाइड लिंकेजेस ए और बी के बीच में नहीं होती है फिर बनता है हमारा प्रो इंसुलिन जिसमें ए और बी चेन के अंदर क्या आ जाती है हमारी डाइसल्फाइड लिंकेजेस मतलब दो सल्फाइड ग्रुप्स आ जाते हैं और उससे जो है वो ए और बी चेन जुड़ जाती है तो डायसल्फाइड लिंकेजेस और इंसुलिन कब बनती है जब हमारी सी चेन जो है वो लिबरेट हो जाती है और सिर्फ ए और बी चेन बच जाती है जो की डायसल्फाइड लिंकेजेस से ज्वाइन होती है जो की डायसल्फाइड लिंकेजेस से ज्वाइन होती है तो ये था हमारा एग्जाम्पल ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर एंड कंट्राज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं तो स्टार्ट करेंगे द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स और जेनेटिक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं जीएम क्रॉप दे हेल्फ इम्प्रूव द न्यूट्रियट क्वालिटी इन द क्रॉप ऑब्वियसली जब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगी तो उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिय जो भी मिसिंग होगा जो भी मिसिंग होगा क्रॉप के अंदर न्यूट्रियट वो जो है उसको बढ़ा देगी इंट्रोड्यूसिंग फॉरन जीन सम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट दैट है हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू जब हम बाहर का एक फॉरेन जीन उसके अंदर इंसर्ट करेंगे जब फॉरेन जीन क्रॉप के अंदर इंसर्ट होगा तो क्रॉप क्या करेगी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल इज गोल्डन राइस गोल्डन राइस के अंदर क्या एनहांस किया गया है वाइटामिन एनहांस किया गया है कौन सा वाइटामिन एनहांस किया गया है वाइटामिन ए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन जीन गोल्डन राइस के अंदर बीटा कैरोटीन जीन को डाला जाता है जो कि वाइटामिन ए बढ़ा देता है तो ये एक तरीके का क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट बोल सकते हैं फॉर नाइट ब्लाइंडनेस होता है जिनको भी नाइट ब्लाइंडनेस होती है उनको गोल्डन राइस खाने की सलाह दी जाती है क्यों क्योंकि इनका जो बीटा कैरोटीन जीन होता है जो कि वाइटामिन ए की क्वांटिटी को वाइटामिन ए के अमाउंट को बढ़ा देता है सो द नेक्स्ट इज सम एफिशिएंटली यूज द मिनरल्स फ्राम सोइल सो दैट एक्सेसिव लॉस ऑफ रिसोर्स डज नॉट टेक प्लेस जो प्लांट्स है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स है वो क्या करेंगे मिनरल्स को एफिशिएंटली यूज करते हैं वो मिनरल्स को एफिशिएंटली यूज करते हैं जिसकी वजह से जो सो रिसोर्स होते हैं जो रिसोर्स होते हैं सॉइल के वो एक्सप्लॉयट नहीं होते हैं और वो बहुत ही अच्छे से जो है यूज होते हैं तो पहला एडवांटेज क्या देखा हमने जी क्रॉप जो होता है

इन द कंडीशन ऑफ प्लांट स्ट्रेस लाइक ड्रॉट एक्सेसिव रेनफॉल और एडवर्स टेम्परेचर कंडीशन द प्लांट्स दे कैन सर्वाइव बिकॉज ऑफ देयर टॉलरेंट कैरेक्टर प्लांट्स के अंदर क्या होता है एक टॉलरेंट कैरेक्टर आ जाता है एक रेजिस्टेंट कैरेक्टर आ जाता है अगेंस्ट द एडवर्स कंडीशन अगेंस्ट द एडवर्स कंडीशन ठीक है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है बहुत ही ज्यादा एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं द प्लांट्स दे कैन सर्वाइव बिकॉज ऑफ द टॉलरेंट करेक्टर अगेंस्ट दीज कंडीशन एंड यूजिंग दीज जेनेटिक मॉडिफिकेशन द अडेप्टिबिलिटी ऑफ द प्लांट इट इज इंप्रूव्ड जो प्लांट की अडेप्टिबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाती है क्योंकि वो टॉलरेंट हो गया है एडवर्स कंडीशन के वो उनको ईजिली सर्वाइव कर पा रहा है

अगले आते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में जीएम क्रॉप्स दे मे इंक्रीज द एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज मेकिंग देम इम्यून टू सर्टेन डिजीजेस एंड दिस मे मेकिंग्यूमलेट इन द फूड चेन रिजल्टिंग इन ससेप्टेबिलिटी टू अदर डिजीजेस अब जब हम जीएम क्रॉप्स की बात करते हैं जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी डालते हैं है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी डालते हैं जिससे कि वो कुछ डिजीजेस से तो इम्यून हो जाती हैं पर वो काफ़ी डिजीजेस के प्रोन हो जाती हैं ससेप्टिबिलिटी उनकी अदर डिजीजेस के लिए बढ़ जाती है तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सेकेंड डिसएडवांटेज है हायर द यूज़ ऑफ़ जीएम क्रॉप्स कैन इंक्रीज़ द चांसेस ऑफ एलर्जी इन चिल्ड्रन एज द नेटिव वाइटीज़ मे बिकम पॉसिबल एलर्जेंस जो नेटिव वराइटीज़ है जो वेडनेटिव वाइटीज़ हैं वो क्या बन जाती है एलर्जेंस की तरह काम करती हैं क्योंकि जी एम क्रॉप्स के अंदर हम लोग बाहर की चीज़ें डालते हैं ना उन्हें मॉडिफाई करते हैं तो मे बी वो जो मॉडिफिकेशन है जो जीन्स उनके अंदर इंसर्ट किए गए हैं वो एलर्जेंस का काम करते हैं फॉर द चिल्ड्रन नेक्स्ट डिसएडवाटेज देयर कैन बी कंटेमिनेशन इन द नेटिव स्पीशीज विच अकर्स ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन अ जी एम क्रॉप एंड द नेटिव स्पीशी जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं बिटवीन द जी एम क्रॉप एंड दी नेटिव स्पीशी तो कई बार ऐसा होता है कि नेटिव स्पीशी के अंदर कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन हो और उस वजह से वो कंटेमिनेशन जो है फूड के अंदर आगे चली जाए लास्ट डिसएडवांटेज दैट ऑल द जीएम क्रॉप्स हैव द हाइर ईल्ड देर विल बी एक्सेसिव यूज़ ऑफ इट लिविंग बिहाइड द नेटिव स्पीशीज अगर जी एम क्रॉप ही अगर हम लोग कंज्यूम करने लग गए तो हम नेटिव वराइटी को भूल जाएंगे और हम सिर्फ प्रोसेस्ड वराइटी को खाएंगे एंड दिस विल रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द स्पेसिफिक क्रॉप दैट कैन सीवियरली अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ये क्या करेगा जो उनकी नेचुरल क्रॉप है उसकी बायोडाइवर्सिटी को कम कर देता है और उसकी वजह से क्या होगा नैचुरल हैबिटेट अफेक्ट हो जाता है तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हमारे जीएम क्रॉप्स के नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट क्राई प्रोटीन टू हिज बेनिफिट सबसे पहला एक एक करके हम तीनों पार्ट के आंसर्स करेंगे सबसे पहला कि क्राई प्रोटीन क्या होते हैं क्राई प्रोटीन्स दे आर इंक्लोडेड बाय द जीन्स एंड दीज Proteins, these are what these are the toxins which are produced by bacillus thuringiens bacteria. ये क्या होते हैं ये टॉक्सिन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय द बैसिलस बेसिलसूरिस बैक्टीरिया एंड दिस बैक्टीरियम ये बैक्टीरिया जो है इन प्रोटीन्स को कंटेन करता है इन देयर इनएक्टिव फॉर्म और जब भी इनएक्टिव टॉक्सिन जो है इट इज इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट उसके गट में जाके ये जो है एक्टिव हो जाता है और वो क्या कर देता है वो उसको मार देता है सो क्राए प्रोटीन्स क्या हैं जो कि जीन से इंकोडेड होते हैं

इंजेस्टेड बाई इंसेक्ट जैसे ही ये इंसेक्ट से इंजेस्ट होते हैं वो क्या करेंगे वो अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं टॉक्सिन की फॉर्म में और वो क्या करते हैं डेथ ऑफ दी इंसेक्ट करते हैं इंसेक्ट जो है डेड हो जाता है डेथ ऑफ दी इंसेक्ट क्योंकि वो उसके एल्कलाइन गट जो है उससे एक्टिव हो जाते हैं दिस रिजल्ट इन द लाइसिस ऑफ द एपिथिलियल सेल्स एंड इवेंचुअली द द डेथ ऑफ इंसेक्ट मैन हैज एक्सप्लॉयटेड दिस प्रोटीन टू डेवलप सर्टेन ट्रांसजेनिक क्रॉप बहुत सारी ट्रांसजेनिक क्रॉप की डेवलपमेंट में ये मदद करती है जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस सच एज बी टी कॉटन बी टी कॉन बी टी का मतलब क्या होता है बैसेजनस बी टी कॉटन बीटी कॉर्न जिस भी क्रॉप के आगे बी टी लिखा होगा उसका मतलब है कि वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस है बिकॉज ज ऑफ दिस बैसिलस बैसिलसरेंजिनस बैक्टीरिया और उसके अंदर कौन से जीन्स हैं क्राई जीन्स हैं जो कि टॉक्सिन को कोड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज जीन थेरेपी इलास्ट्रेट यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ एडेनोस एडेनोसियनसी जीन थेरेपी क्या होता है इट इज द मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ द जीन बाई रिपेयरिंग और एडिंग द करेक्ट कॉपी अगर हमारी बॉडी में कोई जीन मैल फंक्शन कर रहा है कोई जीन अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको करेक्ट करने के प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं जीन थेरेपी बोलते हैं उसके करेक्ट करने के प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं जीन थेरेपी बोलते हैं एडीएडेन डीएम डेफिशियं इट इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू डॉ डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडेनोसिन डीएमस का जो जीन है वो डिलीट हो जाता है इसको ट्रीट करने के दो ऑप्शन होते हैं फर्स्ट या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो जाए चाइल्ड एज में या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुई है तो क्या होता है इसके अंदर जीन थेरेपी का यूज़ करते हैं जो पेशेंट की बॉडी के लिम्फोसाइट है वो पीरियोडिकली बाहर निकाले जाते हैं उनके अंदर एडीए एम जो है वो डाला जाता है एडीए एनजाइम का सी डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डाला जाता है और फिर उन लिम्फोसाइट्स को बॉडी के अंदर रखा जाता है सो द द एंजाइमजाइम इट इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन

फ्यूजन के लिए जाना पड़ता है क्वेश्चन सिक्स डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स इन द क्लोनिंग एंड एक्सप्रेसिंग ऑफ ह्यूमन जीन जीन फॉर ग्रोथ हॉर्मोन इन टू अ बैक्टीरियम लाइक इकोलाई तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ये है इसके अंदर ही क्या है ईकोलाई लिया हमने ये ग्रोथ हॉर्मोन का डी एन ए लिया ईकोलाई के अंदर से हमने क्या लिया प्लाज्मिक डी एन ए लिया प्लाज्मिक डी एन ए को क्लीव किया ग्रोथ हॉर्मोन के डी एन ए को भी क्लीव किया और उन दोनों को ज्वाइन कर दिया बाय द एक्शन ऑफ लाइगेज रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या किया उसको ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन आ गया अब हमारा प्लाज्मिड के साथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन आ गया है ना ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जब प्लाज्मिड के साथ जीन आया तो वो क्या बना हमारा रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए रीकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया उस डीएनए को इंसर्ट किया गया इनटू अ फ्रेश बैक्टीरिया और उसके जो है क्लोन्स बनाए गए तो ये जो है पूरा रीकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का स्टेप्स रहते हैं जो कि हमने प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में पढ़ा था कि क्या प्रोसेस होता है आरडीएनए का तो यही प्रोसेस को मैंने यहां पे फ्लो चार्ट में बताया है सबसे पहले में हम क्या करेंगे प्लाज्मिड डीएनए लेंगे इकोलाई का और ह्यूमन का ग्रोथ हार्मोन डीएनए लेंगे प्लाज्मे डीएनए को भी क्लीव करेंगे और ग्रोथ हार्मोन डीएनए को भी क्लीव करेंगे दोनों को ज्वाइन करेंगे बाय द एक्शन ऑफ लाइगेस और उसको जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू द बैक्टीरियल सेल मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेकिंग द बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट और उसी बैक्टीरिया की जो है क्लोनिंग करेंगे मतलब मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहता है इन क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ द ह्यूमन जीन यही पूरा प्रोसेस रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू सजेस्ट अ मैथड टू रिमूव द ऑयल हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द सीड बेस्ड इन ऑन यर स्टडिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर डी एन ए टेक्नोलॉजी एंड केमिस्ट्री ऑफ ऑयल हमने एक मेथड बताना है जिससे कि हम ऑयल को रिमूव करेंगे ऑन आर अंडरस्टैंडिंग विच इज बेस्ड ऑन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर डी एन ए टेक्नोलॉजी एंड द केमिस्ट्री ऑफ ऑयल जो और फैटी एसिड होते हैं दे आर द मेन कॉन्सिटेंट ऑफ सीड ऑयल्स। सीड ऑयल्स के अंदर कौन कौन से कॉन्सिटेंस होते हैं हमारे ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड द इंसर्शन ऑफ आर डी एन ए कैरिंग द जीन फॉर एनी ऑफ द सिंथेसिस। इनिबिटर्स और फैटी एसिड ऑयल सिंथेसिस। जब हम आर डी एन ए की जीन को इंसर्ट करेंगे पर उस आर डी एन ए के अंदर कौन सा जीन होना चाहिए ग्लिसरॉल सिंथेसिस इनिबिटर वो जो है ऑयल सिंथेसिस को इनिबिट करेगा एंड द रिकॉम्बिनेंट सीड्स वै ऑय्स जो आगे उस रिकॉम्बिनेंट डी एन ए को कैरी करेंगी सीड्स उनके अंदर ऑयल नहीं होगा So knocking out, removing the gene or genes responsible for the synthesis of ऑयल इज़ द अदर ऑप्शन दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा नॉक ऑफ या फिर आर एन ए साइलेंसिंग जिसे हम लोग बोलते हैं एम आर एन ए साइलेंसिंग दूसरा ऑप्शन हमारा ये रहेगा और पहला ऑप्शन ये रहेगा कि अगर हम आर डी एन ए के अंदर वो वाला जीन डाले जो कि फैटी एसिड सिंथेसिस को रोक रहा है या फिर ग्लिसरॉल सिंथेसिस को रोक रहा है तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ऑयल को सीड से निकाल सकते हैं ये दो मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम ऑयल को सीड से निकाल सकते हैं नेक्स्ट फाइंड आउट फ्रॉम इंटरनेट वॉट इज गोल्डन राइस मैंने अभी बताया था गोल्डन राइस क्या होता है इट इज़ अ ट्रांसजेनिक वराइटी ऑफ राइस ट्रांसजेनिक मतलब इसके जीन्स जो है मैन्युपुलेटेड हैं जीन्स आर मैन्यूपुलेटेड रोटिन तो बीटा कैरोटिन क्या करता है इट इज अ गुड सोर्स ऑफ वाइटमिन ए सो गोल्डन राइस के अंदर क्या होता है गोल्डन राइस जरा ट्रांसजेनिक वराइटी ऑफ राइस होते हैं जिसके अंदर बीटा कैरोटिन की बहुत अच्छी क्वांटिटीज होती है और बीटा कैरोटिन क्या होता है

ये दोनों ने जो है स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर ये गोल्डन राइस को डेवलप किया था गोल्डन राइस को गोल्डन क्यों बोला जाता है क्योंकि बीटा कैरेटिन की प्रेजेंस की वजह से वो येलो कलर के दिखते हैं और उनके अंदर क्या होता है बीटा कैरेटिन होता है जो कि प्रिंसिपल सोर्स है वाइटामिन ए का तो ये एक तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस में हेल्प करता है इट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस ठीक है क्योंकि लाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से हमारी नाइट ब्लाइंडनेस होती है तो उसी के ट्रीटमेंट में हमारा ये गोल्डन राइस मदद करता है डज आर ब्लड हैव प्रोटीएसेस एंड न्यूक्लियसिस प्रोटीएज क्या है? करते हैं प्रोटीन डिग्रेड करते हैं है ना जब भी, भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब जान लो उससे आपको आधा आंसर मिल जाएगा जब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े आप क्वेश्चन का मतलब जो है पहले जान लो उससे आपको आधे ज्यादा आंसर पता चल जाएगा न्यूक्लिय क्या होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करते हैं इससे आपको पता चल गया होगा कि क्या हमारे ब्लड में प्रोटीजेज और न्यूक्लियज होंगे नहीं होंगे इफ इट वुड द ब्लड एंड द सेल वुड जो ब्लड और सेल है वो डाइजेस्ट हो चुके होंगे क्योंकि प्रोटीज़ जो है सेल सेल के अंदर सारे प्रोटीन को खा जाएंगे ब्लड को खा जाएंगे और न्यूक्लियज न्यूक्लियर को खा के डिग्रेड कर देंगे तो अगर ब्लड के अंदर प्रोटीज होताटिव फॉर्म में इनएक्टिव फॉर्म में वो होता है पर अगर एक्टिव फॉर्म में होता तो वो ब्लड और सेल को डिग्रेड कर देते उनको डाइजेस्ट कर लेते तो प्रोटीएज होता तो है पर वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है ऑप्शन है नो द ब्लड डज नॉट हैव एंड न्यूक्लियस उट हाउ टू मेकली एक्टिव प्रोटीन फार्मास्यूटिकल हमने इंटरनेट को कंसल्ट करके देखना है कि कैसे हमारा ओरली एक्टिव प्रोटीन फार्मास्यूटिकल बनता है और वॉट इज द मेजर प्रॉब्लम टू बी एंकाउंटर मेजर प्रॉब्लम हम लोग क्या इंकाउंटर करते हैं सो ओरली एक्टिव प्रोटीन प्रोडक्ट दैट इज सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर इज वैक्सीस ओरियली एक्टिव जो प्रोटीन फार्मास्यूटिकल है वो हमारी क्या है हमारी वैक्सीन है जो कि अवेलेबल है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इंफेक्शस डिजीजेस कौन से डिजीजे से बचाती है सचैस दी हेपेटाइटिस बी हर्पिस इन्फ्लुएंजा एंड सो ऑन हेपेटाइटिस बी, हर्पिस इन्फ्लुएंजा एंड सो ऑन इनके अगेंस्ट हमें वैक्सीन है ना इनके अगेंस्ट में हमारी वैक्सीन अवेलेबल हैं तो यही हमारा एग्जाम्पल है ओरली एक्टिव प्रोटीन फार्मास का द जीन फॉर एंटीजन दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया इनका जो एंटीजन होता है उसका जो जीन है वो बैक्टीरिया से लिया जाता है और उसको कट लीव पोर्शन ऑफ पोटैटो प्लांट के साथ ग्रो किया जाता है इन एंटीबायोटिक मीडियम एंड इट इज फॉलोड बाई कैलस फॉर्मेशन एंड द रिकॉम्बिनेंट ट्रांसजेनिक पोटैटो आर ऑप्टेड विच कंटेन दोज वैक्सीन तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि जीन फॉर एंटीजन एंटीजन को शॉर्ट में एजी लिखते हैं जीन फॉर द एंटीजन दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं जो कि ये बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर रहा होता है उसी के अंदर से उनका एंटीजन लेते हैं और उसको किसके साथ ग्रो करते हैं उसको ग्रो करते हैं विद पोटैटो ग्रोन विद पोटैटो इन एंटीबायोटिक मीडियम एंटीबायोटिक मीडियम के अंदर हम इसे ग्रो करते हैं और इसके बाद क्या होता है कैलस फॉर्मेशन होता है इसके बाद में कैलस फॉर्मेशन होता है और क्या बन जाता है हमारा रिकॉम्बिनेंट पोटैटो बन जाता है जिसके अंदर ये सारे के सारे जो है वैक्सीन प्रेजेंट होती है इसके बाद हमारा रिकॉम्बिनेंट पोटैटो बन जाता है जिसके अंदर ये सारी की सारी वैक्सीन प्रेजेंट होती है तो ये जो है हमारा मेजर रहता है इसका आप एक स्क्रीन ले लो इसका आप एक स्क्रीन ले लो जो हमारा ये प्रोसेस रहता है डेवलपमेंट ऑफ दी ओरली एक्टिव प्रोटीन फार्मास्यूटिकल जो कि है हमारी वैक्सीन ठीक है Making of orally active pharmaceutical proteins, they are inserted in a tablet whose coating is made up of material which is not digested by the stomach's acidic medium. बट इट डिजोल्व इन द इंटेस्टाइन कॉजिंग द प्रोटीन्स टू गेट एबजॉर्व बाई द विलाय ऑफ द इंटेस्टाइन प्रोटीन्स को इंसर्ट किया जाता है इन द टेबलेट जिसकी कोटिंग किससे बनी होती है उस चीज से बनी होती है जो कि स्टमक के एसिडिक एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाते पर वह जो है इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होकर विलाय के ऊपर आ जाती है दिस इज टू प्रोटेक्ट द थेरापटिक प्रोटीन्स विद द कवरिंग विच विल गेट डिस पासिस थ्रू द स्टमक तो ये थे हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन आई होप आप सबको ये वाला चैप्टर समझ आया होगा अच्छे से अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन स्कूल के चैनल को थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय